सो हे गाइस, आप लोग यहां से ऑरा बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर विजिट कर सकते हो और यहां पर जान सकते हो कि इस पेज का बेनिफिट्स क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और आपको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लगेगा और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं पढ़ के आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आप लोग अप्लाई करना चाहते हो भी नहीं मेरे को पता नहीं इसलिए, लेकिन फटाफट से आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और यहाँ पर कॉल नंबर दिया गया है उस पर डायल करके या फिर आप लोग नियरेस्ट ब्रांच विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका एमिरेट्स आईडी, आपका पासपोर्ट कॉपी और वैलिड रेसिडेंट वीजा और लेटेस्ट सैलरी इनकम, जैसे कि मैंने बताया आपके पास बैंक स्टेटमेंट वगैरह होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ का, जो भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सैलरी अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट जो भी हो, आपको प्रोवाइड करना होगा मिनिमम 6 मंथ का स्टेटमेंट, नहीं तो सैलरी सर्टिफिकेट, नहीं तो कुछ भी आप जो सैलरी इनकम प्रूफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जाना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर और यहाँ पर आप कौन सा कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें सेलेक्ट करना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा वीजा क्लासिक क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास लो सैलरी थोड़ा सैलरी है तो। और उसके बाद में अपना नाम, मिस्टर और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया ये तो, ओके 10 अप्रैल 19, और टेलीफोन नंबर, वर्क टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका नेशनलिटी क्या है, आपका आप क्या काम करते हो यहाँ पर आप डाल सकते हो और कंट्री ऑफ रेसिडेंट ऑफकोर्स यूनाइटेड अरब इमिरेट्स आपको डालना होगा और आपको मंथली इनकम कितना है, आप 2000 से 5000 का रेंज में ही करना क्योंकि लेस देन 2000 के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, याद रखना। और आपका सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय डालेंगे तो आपको जो ट्रेड लाइसेंस का कॉपी भी है वो भी सबमिट करना पड़ता है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय मतलब यही होता है कि आपके पास काम नहीं है और आप पर्सनल बिजनेस या फिर कंपनी चलाते हैं। ठीक है, और आपको कितना बजट कॉन्टैक्ट करना है करने के लिए सही रहेगा वो भी आप टाइम चूज कर सकते हो, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग या फिर एनी टाइम। और आप आपके पास ऑलरेडी अरब बैंक का अकाउंट है कि नहीं ये भी सेलेक्ट करना है। यस और नो, आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद सबमिट करके अप्लाई, दैट्स इट।